टॉपिक है हमारा नॉमन क्लेचर, नॉमन क्लेचर। नॉमन क्लेचर बेटा, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑल ओवर द नाम एक ही हो तो ठीक रहेगा, नहीं तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक साथ एक ही ऑर्गेनिज्म का के बारे में इंफॉर्मेशन कई सारे देश उसको, कई सारे अलग अलग कंट्री में रहने वाले लोग उसको देख रहे हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म का, सेम ऑर्गेनिज्म का सिम्टम्स उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो काम बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। अगर एक ही नाम हो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड तो इजी हो जाएगा। इसके लिए नॉमनक्लेचर सभी ऑर्गेनिज्म का टाइम टू टाइम किया गया है, ठीक है ना। तो दो तीन जो नॉमनक्लेचर के सिस्टम्स हैं बेटा, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नॉमनक्लेचर ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा? नॉमनक्लेचर स्टैंडर्डाइज्ड नेम प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी देशों के लोग एक ही नाम से एक ऑर्गेनिज्म को जानेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखो, इट इज, नॉमनक्लेचर में लिखना है आपको, इट इज प्रोवाइडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नेम, प्रोवाइडिंग ऑफ इन स्टैंडर्डाइज्ड नेम टू द ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड नेम टू द ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाई, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाई द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज प्रोवाइडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नेम टू द ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाई द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें बेटा सबसे पहले आया वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर, सबसे पहले आया नंबर वन वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर, वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर किसको कहते हैं बेटा? लोकल नेम या रीजनल नेम जो डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट हो सकता है, वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर। समझा नहीं मैं क्या लिख रहा हूं बेटा। वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर में बेटा जो लोकल रीजनल नेम होते हैं, वाई इट इज नॉमनक्लेचर, वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर को हम बोलते हैं बेटा। अभी समझ लो फिर पूछना है आप। वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर बोलते हैं बेटा लोकल रीजनल नेम जो होता है ना उसको वर्नाकुलर बोलते हैं। हाँ, तो ये अलग अलग जगह पे एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम, या हरियाणा में कुछ और है, यूपी में कुछ और बोला जाएगा, महाराष्ट्र में कुछ और बोला जाएगा, चाइना में कुछ और बोला जाएगा, तो ये तो बहुत सारे और डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट नाम होगा, रीजन टू रीजन वेरी करेगा, इसको वर्नाकुलर बोलते हैं। समझ रहे हो? लोकल रीजनल नेम्स, इसमें लिखो, लोकल रीजनल नेम इज कंसीडर्ड एज वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर। लोकल ये फॉलो नहीं होता, बस आपको बताने के लिए कि इसको किसको बोलते किसको है, ये फॉलो नहीं होता। लोकल रीजनल नेम्स इज कंसिडर्ड एज वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर, वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर इन ब्रैकेट आप लिखो,
डिफरेंट डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स, इसका ड्रॉबैक हो जाएगा. डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है. वर्नाकुलर तक ओके है. नेक्स्ट है बेटा पॉलीनोमियल. पॉली मीन्स बहुत सारे, नॉमियल मीन्स नाम. पॉलीनोमियल नॉमनक्लेचर, पॉलीनोमियल नॉमनक्लेचर. पॉली मीन्स मैनी, मतलब कई सारे नाम को मिला के एक नाम बनाया गया. वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर, हाँ वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर मीन्स बेटा मैंने बताया लोकल नेम जो होता है उसको वर्नाकुलर बोलते हैं, बस इतना ही जानना है आपको, है ना. पॉलीनोमियल नॉमनक्लेचर में लिखो, जैसे एग्जांपल हम बताएं आपको, क्राइसेंथेमम एक प्लांट का नाम है, एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे क्राइसेंथेमम ये प्लांट का नाम मैं पूरा लिख रहा हूं. ग्राफिक्स, ग्राफिस, बाइलोबिया, 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 क्राइसेंथेमम, ग्राफिक्स, बाइलोबिया, पेंटालिस, पेंटालिस, गाइनो सियालिस, गाइनो सियालिस. बेटा देखो ये एक नाम लिखा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक एक प्लांट का नाम लिखने की कोशिश की गई थी उसके सिम्टम्स के बेस पे. जैसे ये नाम हो गया ग्राफिस, मीन्स होता है बेटा लीफ, ग्राफिस मीन्स लीफ. बाइलोबिया मतलब बाई मीन्स होता है बेटा टू, और लोबिया मीन्स लोब, मतलब ऐसा इस प्लांट की लीफ जो है लीफ में बाई दो लोब होता है, तो ग्राफिस बाइलोबिया. पेंटालिस मतलब पांच, क्या है पेंटालिस मतलब पांच. पेंटा कार्पेलरी, कार्पेल बोलते हैं बेटा गाइन गाइनोसियम फीमेल पार्ट जो होता है बेटा, कार्पेल स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को मिला के हम बोलते हैं कार्पेल. तो पेंटा कार्पेलरी और गाइनोसियलिस मतलब उसका गाइनोसियम पेंटा कार्पेलरी होता है, मतलब पांच कार्पेल होते हैं. ये सिम्टम्स के बेसिस पे ऐसा नाम रखने की कोशिश की गई एक प्लांट की, लेकिन आप बताओ क्या इसको हम फॉलो कर सकते हैं. इसमें तो बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर इसको उठा के यहाँ पे रख दिया जाए तो मीनिंग चेंज हो जाएगी. इतना बड़ा नाम याद करने में परेशानी है ना, मुश्किल है, डिफिकल्ट है बेटा, ठीक है. और नाम को रखने में भी बहुत डिफिकल्टी होगी, एक तो याद करने में डिफिकल्टी होगी, इतना याद कौन रखे. तो ये पॉलीनोमियल नॉमनक्लेचर फेल हो गया. ड्रॉबैक लिखो इसका, डीमेरिट, डीमेरिट लिखिए. डीमेरिट क्या क्या है इसका, पहला तो क्या लिख दूं, इट इज नॉट इजी टू हैंडल, इट इज नॉट इजी टू हैंडल, ठीक है, इट इज नॉट इजी टू हैंडल. दूसरा क्या है, If we alter the word, if we alter मतलब बदल दें, इसको उठा के यहां रख दें, इसको उठा के यहां रख दें. If we alter, लिखो, if we alter the word,
changed meaning. If we alter the word change meaning, meaning change हो जाएगी बेटा, और given name is difficult, है ना, तीसरा हो जाएगा name, given name is difficult, difficult. तो ये दोनों फेल हो गया बेटे, पॉलीनोमियल नॉमनक्लेचर और वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर. यहां तक सबको क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके है यहां तक? पॉलीनोमियल नॉमनक्लेचर तक ओके हो गया बेटा? बताओ. ठीक है, गुड. नेक्स्ट है बेटा जो हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, वर्नाकुलर सॉरी बाइनोमियल नॉमनक्लेचर. सर प्लीज रिपीट द स्टार्टिंग, माय नेटवर्क इज स्ट्रक. स्टार्टिंग में बेटा देखो, मैंने नॉमनक्लेचर में पहला लिखवाया है वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर, मीन्स लोकल रीजनल नेम. लोकल रीजनल नेम्स इज कंसिडर्ड एज वर्नाकुलर नॉमनक्लेचर, एंड दिस नॉमनक्लेचर डिफरेंट नेम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म हो जाएगा तो फेल हो गया. पॉलीनोमियल नॉमनक्लेचर किसी का ऑर्गेनिज्म का नाम खूब बड़ा सा रख दे उसके सिम्टम्स के बेसिस पे, जैसे क्राइसेंथेमम, ग्राफिक्स, बाइलोबिया, पेंटालिस, गाइनोसियलिस मैंने लिखा हुआ है ना, उसके सिम्टम्स के बेसिस पे. तो इसको भी लर्न करना बड़ा मुश्किल होगा. इट इज नॉट इजी टू हैंडल. इफ वी अल्टर द वर्ड चेंज मीनिंग, अगर उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी. और इसको जो हमने नाम लिखा है ये बहुत डिफिकल्ट है. सर व्हाट इज बाइलोबिया? बाई मींस बेटा टू होता है. लोबिया मींस लोब. इसकी लीफ जो है, इस प्लांट की लीफ कुछ इस तरह से होती है, दो बाइलोब्ड होता है, ऐसे दो लोब में डिवाइडेड होता है. उसके सिम्टम्स के बेसिस पे ये लिखा गया है, ठीक है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, तो ये दो नाम हो गया. अब एक्चुअल में जो आपको पढ़ना है अच्छी तरह वो है बेटा बाइनोमियल नॉमनक्लेचर. हो गया यहां तक? नेक्स्ट है बच्चों बाइनोमियल नॉमनक्लेचर. तीसरा होगा बाइनोमियल नॉमनक्लेचर. बाइनोमियल मतलब कि दो वर्ड को मिला के किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है इस सिस्टम में, है ना. इस सबसे पहले किसने प्रपोज किया था बेटा? प्रपोज्ड बाय कैस्पर बोविन, है ना, कैस्पर बोविन ने इसको प्रपोज किया था, समझ रहे हो. लेकिन गिवेन बाइनोमियल नॉमनक्लेचर गिवेन बाय, बताओ, कैरलस लिनियस. कार्लस लिनियस का नाम बेटा स्टार्टिंग में क्या था? कार्ल लीन, CARL, कार्ल लीन. इनका स्टार्टिंग नाम बेटा कार्ल लीन था. बाद में ये प्रोनाउंस करने में आसानी हुई. जैसे किसी का भी नाम हम ऑर्गेनिज्म का रखते हैं बेटा, तो कार्लस लिनियस ने बोला था कार्ल लीन ने कि वो प्रोनाउंसिएशन में आसानी होनी चाहिए उसके,
जैसे मैंगीफेरा इंडिका, होमो सेपियंस, पाइसम सटिवम, ब्रेसिका कंप्रेस्ड डिस्क, सोलेनम ट्यूबेरोसम, है ना, ब्रेसिका कंप्रेस्ड डिस्क, तो बोलने में आसानी हो, प्रोनाउंस करने में आसानी हो, तो उन्होंने अपना भी नाम कैरोलस लिनियस रख लिया था, ठीक है। और इन्होंने दो बुक लिखी थी बेटा, इन्होंने बुक लिखा दो, एक तो 1753 में लिखा, एक 1758 में लिखा था। 1753 में इन्होंने लिखा था स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, इसमें इन्होंने प्लांट्स के बारे में लिखा बेटा। और एक और बुक लिखी जिसमें कि एनिमल्स के बारे में उन्होंने बताया, सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर, इसमें उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया, एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो इसके पहले जितने भी नाम थे बेटा वो अपने आप डिसॉल्व हो गए, मतलब फर्स्ट मई 1753 को लिखा था ना इन्होंने, इसके पहले जितने नाम रखे गए थे वो अपने आप क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। रूल्स ऑफ रिजेक्शन बोलते हैं उसको, और रूल्स ऑफ प्रायोरिटी किसको बोलते हैं बेटा, इसके बाद जो पहले नाम रख देगा उसी का माना जाएगा, समझ रहे हो, इसके बाद जो पहले नाम रख देगा इनके अकॉर्डिंग, इनके रूल्स, कुछ रूल्स बनाए उन्होंने उस रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसको पहले माना जाएगा। दो देशों ने नाम रखा, एक ने पहले रखा एक ने बाद में, तो पहले वाले का माना जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया सबको, आपको बुक का नाम रखना है, याद रखना है बुक का नाम, याद रखना है बेटा, दिया किसने था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। रूल्स मिटा दूं, रूल्स में बेटा पहला है, पहला लिखो, इसमें इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम में दो वर्ड होने चाहिए, है ना। पहला रूल ये है, टू वर्ड्स होने चाहिए, जैसे ह्यूमन का नाम क्या होता है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस होता है ना ह्यूमन का नाम, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है। और पोटैटो का क्या नाम होता है जानते हो, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो दोनों में दो वर्ड हैं, सोलेनम और ट्यूबेरोसम, होमो सैपियंस, तो पहला रूल क्या है बेटा, इसमें टू वर्ड होने चाहिए, लिख लिया। दूसरा, अच्छा एक चीज और है इनमें बेटा, ये जो ये तो एनिमल का नाम है ना, ये क्या है, कोई एनिमल है और ये प्लांट है बेटा, तो प्लांट और एनिमल में जो फर्स्ट वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड, इसको बोलते हैं जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, क्या बोलते हैं फर्स्ट नाम को, सॉरी फर्स्ट वर्ड को क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ड होमो जेनेरिक नेम है, सोलेनम जेनेरिक नेम है, फर्स्ट को हम जेनेरिक नेम बोलते हैं बेटा। और सेकेंड नाम जो होता, वर्ड जो होता है बेटा, सेकेंड वर्ड अगर प्लांट है तो उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं,
और अगर एनिमल हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम। समझ में आया? अगर किसी प्लांट का नाम है बेटा, तो प्लांट का नाम अगर है तो पहले वर्ड को, दो दो वर्ड तो होंगे, पहले वर्ड को हम जेनेरिक नेम बोलेंगे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। दूसरा वर्ड जो होता है, अगर प्लांट है तो स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, अगर एनिमल है तो उसको स्पेसिफिक नेम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अब दूसरा रूल लिखो, दूसरा रूल लिखिए क्या है, सेकेंड रूल लिखो। सब दो दो सेट है, सब मर्जी ले जाओ। ठीक है बच्चों, दूसरा रूल लिखिए, द जेनेरिक नेम मस्ट स्टार्ट विद, द जेनेरिक नेम मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। आप देख रहे हो मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है। द जेनेरिक नेम मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप। द स्पेसिफिक नेम मस्ट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, देख लो ये भी स्मॉल लेटर है और ये भी स्मॉल लेटर है। द स्पेसिफिक नेम, द स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट मस्ट बी स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। समझ में आ गया? अब अगर मान लो हम प्रिंट कर रहे हैं इसको, कंप्यूटर पे टाइप करके हम प्रिंट निकालना है हमें, ठीक है, बुक में जैसे लिखा हुआ है, तो ये जो नाम है बेटा वो इटैलिक में होना चाहिए। हाथ से लिखते हैं हम, हाथ से लिखते हैं या एक टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर देखा होगा आप लोगों ने, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन होता है। अगर टाइपराइटर से हम टाइप करते हैं बेटा, तो इसको दोनों को अलग, दोनों वर्ड को अलग अलग हमें अंडरलाइन करना होगा, अंडरलाइन किया जाता है। समझ गए? कंप्यूटर से अगर टाइप कर रहे हैं बेटा तो इटैलिक होना चाहिए, हाथ से लिख रहे हैं या टाइपराइटर से टाइप कर रहे हैं तो मस्ट बी अंडरलाइन, दोनों को अलग अलग सेपरेटली। तो लिखिए, when it is hand written or type with typewriter, when it is hand written or type with typewriter, it should be underlined separately, it should be underlined separately। ठीक है, तीन हो गया रूल, तीन रूल हो गया। फोर्थ लिखिए, when it is printed it should be italic, it should be italic। लिख लिया। नेक्स्ट फिफ्थ होगा, द जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ये या ये दोनों मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 लेटर्स का होना चाहिए, 3 से कम नहीं, 12 से ज्यादा नहीं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लिखिए, द जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, जी मैम, ठीक है। द जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट एटलीस्ट मस्ट हैव
एट लीस्ट मस्ट हैव थ्री लेटर एंड मैक्सिमम 12 लेटर्स. मिनिमम थ्री लेटर एंड मैक्सिमम 12 लेटर्स. मैक्सिमम 12 लेटर्स. ठीक है, अच्छा ये जो नाम लिखते हैं बेटा हम, उसमें लैंग्वेज जो यूज करते हैं हम, वो लैटिन वर्ड लैंग्वेज होती है. ऐसा इसलिए कि अगर मान लो चाइनीज में लिखे हैं तो बाकी सारे देश वाले लोग हल्ला करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी वाले चिल्लाएंगे, हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश वाले चिल्लाएंगे. तो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं बेटा जो डिजॉल्व हो चुकी है, अब उसका कहीं भी यूज नहीं होता है ना, और वो है लैटिन लैंग्वेज. तो लिखिए नेक्स्ट रूल है, द नेमिंग, दिस नेमिंग मस्ट बी डन बाई, दिस नेमिंग मस्ट बी डन बाई यूजिंग, दिस नेमिंग मस्ट बी डन बाई यूजिंग द लैटिनाइज्ड लैंग्वेज, डन बाई यूजिंग द लैटिनाइज्ड लैंग्वेज. ठीक है, नेक्स्ट सातवां होगा शायद. अगर मान लो इन दोनों वर्ड के लास्ट में हम साइंटिस्ट का नाम, जिसने बनाया है ये नाम, वो अभी अपना नाम दे सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा साइटेशन. तो नेक्स्ट है बेटा लिखिए साइटेशन, सी आई टी ए टी आई ओ एन, साइटेशन उसको बोलते हैं. साइटेशन में लिखो एडिंग द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एडिंग द नेम ऑफ साइंटिस्ट आफ्टर स्पेसिफिक नेम. नेम क्या लिखा, एडिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट आफ्टर स्पेसिफिक नेम इज कॉल्ड साइटेशन. ठीक है, नेक्स्ट होगा बेटा टोटोनिम. नाम सुना है कभी आप लोगों ने टोटोनिम का? नहीं, टोटोनिम ये बेटा केवल जूलॉजी में होता है, मतलब एनिमल्स के लिए होता है ये, है ना, केवल एनिमल्स के लिए होता है. जब हम क्या करते हैं, व्हेन स्पेसिफिक नेम, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम, है ना, दोनों सेम वर्ड से हम लिखें, तब उसको क्या बोलते हैं, टोटोनिम. ठीक है, जैसे कतला, कतला ये एनिमल का नाम है बेटा, कतला कतला, नाजा नाजा, है ना, रैटस रैटस, ये भी लिख सकते हो चूहे का, रैटस रैटस. देख रहे हो इसमें क्या है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम वर्ड से लिखा हमने, तो इसको बोलते हैं टोटोनिम, टोटोनिम. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ऑटोनिम. ऑटोनिम क्या है, जब हम स्पेसिफिक नेम को बेटा फिर से रिपीट कर दें, उसको क्या बोलते हैं, तो ऑटोनिम बोलते हैं, है ना. जैसे होमो सैपियंस सैपियंस, ये मॉडर्न ह्यूमन का नाम है बेटा, होमो सैपियंस सैपियंस. ठीक है, इसको मैंने रिपीट कर दिया, इसको ऑटोनिम बोलते हैं. लिखिए व्हेन स्पेसिफिक नेम एंड सब स्पेसिफिक नेम, ये सब स्पेसिफिक नेम बोलेंगे थर्ड वर्ड को, व्हेन स्पेसिफिक नेम एंड सब स्पेसिफिक नेम
आर इंडिकेटेड बाई, आर इंडिकेटेड बाई सेम वर्ड, आर इंडिकेटेड बाई सेम वर्ड, इट इज कॉल्ड ऑटोनिम्स, ऑटोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, ये जो रूल है बेटा इसकी, इसको देख रेख करने का काम या कुछ के लिए, मतलब इस पे इसको देखने के लिए बेटा कुछ इंटरनेशनल कोड्स बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमनक्लेचर। ठीक है, ICZN बॉटेनिकल कोड ऑफ, सर ऑटोनिम इज ओनली इन जूलॉजी, ऑटोनिम नहीं, बॉटनी में भी हो सकता है लेकिन टोटोनिम तो केवल जूलॉजी में होगा। ठीक है बेटा, और कुछ डाउट है किसी को? और किसी को है कहीं कोई प्रॉब्लम? ठीक चल रहा है सब, यहां तक ओके है बेटा? यहां तक ओके है? कुछ इंटरनेशनल कोड्स हैं। ठीक है बच्चों, कुछ इंटरनेशनल कोड्स हैं बेटा, उसको लिखेंगे हम कोड्स, जैसे ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें प्लांट्स के बारे में बताया गया है बेटा, है ना, प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं इसके अकॉर्डिंग। एक और होता है ICBN, ICBN का इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। यहां पे ऑफ लिख दिया मैंने और यहां बैक्टीरियल लिख दिया बॉटेनिकल के जगह पे, बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फिर है ICZN क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ, सभी में ऑफ रहेगा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एक और है ICVN, वी से वायरल, है ना, वायरस का इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरल नॉमेनक्लेचर। एक और है ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, कल्टीवेटेड प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर, नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। दीज आर द सम कोड्स फॉर नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यहां तक हो गया बच्चों। अब आता है बेटा क्लासिफिकेशन। तीन तो हमने देख लिया, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है एक्चुअल में बेटा? ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स। और एक कैरेक्टराइजेशन में बेटा, अगर कैरेक्टर हमने सही सेलेक्ट किया है तो क्लासिफिकेशन भी सही होगा, अगर कैरेक्टर चेंज हो गया तो वे ऑफ क्लासिफिकेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है।
ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ओनली अ साइंस, लिखो मैं बोल रहा हूं, इट इज नॉट ओनली अ साइंस बट इट इज आर्ट, इट इज ऑल्सो आर्ट, एक कला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, इट इज स्टेप वाइज प्रोसेस, इट इज स्टेप वाइज प्रोसेस, इट इज स्टेप वाइज प्रोसेस, फुल स्टॉप। ईच स्टेप रिप्रेजेंट, ईच स्टेप रिप्रेजेंट, ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक, रैंक, एंड रैंक को ही क्या बोलते हैं बेटा? कैटेगरीज। रैंक को, रैंक्स को ही क्या बोलते हैं? कैटेगरीज बोलते हैं, ठीक है, कैटेगरी, रैंक। अब ये रैंक क्या क्या हो सकता है? देखो, ह्यूमन पॉपुलेशन को या मतलब कंट्री को अगर हम क्लासिफाई करें तो भारत एक देश है और इंडिया, मतलब इंडिया बोले या कंट्री बोले, दोनों तो एक ही है, तो कंट्री क्या होगी बेटा? एक रैंक हो गया ना, और उसमें नाम एक है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, तो ये एक रैंक है। स्टेट, इसके नीचे आओगे तो स्टेट क्या हो गया? एक रैंक है, हरियाणा स्टेट है, यूपी है, ये भी एक रैंक है, स्टेट क्या है? एक रैंक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की भी, डिस्ट्रिक्ट भी क्या है बेटा? एक रैंक है, एक रैंक है, ठीक है, या कैटेगरी है बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन चेंजेस, चेंज व्हेन वी चेंज द कैरेक्टर, व्हेन वी चेंज द कैरेक्टर, और इसका एग्जांपल अब देखने जा रहे हैं बेटा हम लोग। चलो अब देखते हैं बेटा हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। एक स्कूल है बेटा, स्कूल में क्या है? स्टूडेंट्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स हैं, इनको हम क्लासिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिस क्या है? पहले तो हम कैरेक्टर चूज करेंगे किसके बेसिस पे इनको हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो मान लो सेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ठीक है, तो इस बॉय और गर्ल में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, गर्ल एंड बॉय, या इनके मार्क्स के बेसिस पे, किसी सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे, या ओवरऑल परसेंटेज के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते थे। यहाँ पे हमने गर्ल और बॉय में दो कैटेगरी बना दिया हमने, ठीक है। अब अगर इसको हम क्लासिफाई करना चाहें फर्दर, अच्छा इसमें कैरेक्टर क्या है? ये गर्ल भी क्या है? स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स प्लस गर्ल हो गया बेटा, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस बॉय हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर क्लासिफाई करें हम अगर, तो इसकी भी दो या तीन चार कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स प्लस गर्ल प्लस, ये मान लो एक्टिवा से आती है कुछ, किसी के पास एक्टिवा है, ठीक है, स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस एक्टिवा नहीं है इनके पास, समझ में आई बात। अब जो जितने भी एक्टिवा से आते हैं उनको भी हम दूसरी कैटेगरी बना सकते हैं बेटा, स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस एक्टिवा से आते हैं, स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस एक्टिवा से आते हैं ये, प्लस इनके पास फास्टैग की वॉच है, कुछ हाथ में घड़ी लगाती हैं बेटा, कुछ घड़ी नहीं लगाती हैं, देख रहे हो। तो ये जो देखो, ये हाईएस्ट रैंक है, हायर रैंक है, तो हायर रैंक में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा है
और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे बेटा, जैसे जैसे नीचे आएंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते जाएंगे कि नहीं, बोलो कम होते जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो कम होंगे नीचे आएंगे तो, कि नहीं कम होंगे? कम होंगे ना। और कॉमन कैरेक्टर्स, हाँ, और जैसे जैसे रैंक ऊपर चलती जाएगी बेटा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स घटते जाएंगे, लेकिन कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे या घटेंगे बताओ, बता सकते हो आप लोग? कि जैसे हम नीचे आएंगे लोअर टैक्सॉन में बेटा, तो कॉमन कैरेक्टर्स घटेंगे या कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे? इंक्रीज होंगे, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर्स तो बढ़ते हैं, ऊपर जाने पे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं बेटा, देख रहे हो, हायर रैंक पे। इसी को हम बोलते हैं, अच्छा ये हायर रैंक है तो इसको हमने नाम रख दिया बेटा क्या, इसको नाम मान लो हमने रख दिया किंगडम, इसका नाम रख दिया हमने किंगडम। ये कौन सा एक बच्चा है जो अभी चले गए थे क्लास से, अभी ज्वाइन किए हो, ये कौन है बेटा? एक बच्चा अभी आप क्लास से बाहर चले गए थे, लेफ्ट हो गए थे, फिर अभी ज्वाइन किया आपने, नेटवर्क इशू था या क्या प्रॉब्लम थी बताओ? बेटा एक आप खुद लेफ्ट हो गए थे या नेटवर्क इशू था? चलो ठीक है, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि ये हायर रैंक सर लेफ्ट ड्यू टू नेट, अच्छा इंटरनेट यूज इशू था, ठीक है कोई बात नहीं, तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा किंगडम के बाद जो है, इसके बाद जो रैंक आती है वो आती है फाइलम, समझ रहे हो? फाइलम बोलते हैं इसको एनिमल्स में, और प्लांट्स में इसी को हम डिवीजन बोलते हैं बेटा, प्लांट्स में इसी को डिवीजन बोलते हैं। इसको अगर फर्दर कैटेगराइज करते हैं हम, तो इसके बाद आता है बेटा क्लास, इसके बाद क्या आता है क्लास। क्लास को अगर फर्दर हम करते हैं बेटा क्लासिफाई, तो उसमें उसके बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है बेटा फैमिली, फैमिली के बाद आता है हाँ जीनस, जीनस के बाद आता है स्पीसीज, जीनस के बाद स्पीसीज। तो एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी बोलते हैं इसको। ये क्या है बेटा? सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी, और यही क्या है टैक्सोन, अलग अलग रैंक है या अलग अलग कैटेगरी है या अलग अलग टैक्सा बोल सकते हो आप, ये टैक्सोन भी है अलग अलग, ये साथ ही होगा, आठ नहीं हो सकता, सिक्स नहीं हो सकता किसी का, हमेशा ये अनचेंज होता है बेटा, साथ के साथ ही होता है बस, ठीक है। इसी को हर एक को हम टैक्सा बोल सकते हैं या अलग अलग रैंक बोल सकते हैं या अलग अलग कैटेगरी बोल सकते हैं, इसी को हम टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, समझ में आया? ये सेवन होता है, ठीक है, और यही है टैक्सॉन। टैक्सॉन किसको बोलेंगे? टैक्सॉन लिखिए, टैक्सॉन में लिख लो, ये सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी भी आपको लिखनी है, और टैक्सॉन में लिखना है द ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू
the group of an organisms belonging to particular taxonomic rank. एक और चीज लिख लो, व्हेन वी मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज, एंड कॉमन कैरेक्टर्स विल बी इंक्रीज. ठीक है, तो लोअर कैटेगरी मोर कॉमन कैरेक्टर्स. सर प्लीज रिपीट. When we move from higher to lower category, the number of organisms will be decrease and number of common characters will be increase. इससे आप समझ सकते हो, है ना, इस समझाने के लिए था. ठीक है, अब हेडिंग दो बेटा, स्पीसीज. जो एक्चुअल में रियल एग्जिस्टेंस है बेटा वो इसी का है, ये तो सब हवा में है, समझ रहे हो, ये हवा में है, ऐसे ही है बस, समझ रहे हो, स्टडी के लिए. एक्चुअल एग्जिस्टेंस तो केवल स्पीसीज का है, इसको हम देख पाते हैं, इसको तो देख ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो. सबसे पहले लिखो स्पीसीज, सबके बारे में वन बाय वन करके पढ़ना है हमें. अब लिखो स्पीसीज. स्पीसीज बेटा देखो, अर्नस्ट मेयर, आपके एनसीईआरटी बुक में जहां चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा, उसी के राइट साइड में इनके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है. इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं, ये लिखना है आपको, बोलते हैं. क्यों? डार्विन ने बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था, तो अर्नस्ट मेयर ने भी डाइवर्सिटी के बारे में बताया था, है ना. डाइवर्सिटी, ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी, स्पीसीज की डाइवर्सिटी इंक्रीज कैसे हुई, इन्होंने बताया था बेटा. डाइवर्सिटी, ऑफ स्पीसीज के बारे में इन्होंने बताया था. किसने बताया था? अर्नस्ट मेयर ने. इसीलिए इनको बोलते हैं बेटा डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया था बेटा, स्पीसीज के बारे में एक कॉन्सेप्ट बताया था, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट. पहला लिखिए स्पीसीज के बारे में, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट. बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकली मतलब कि नेचुरली, जब दो ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सके बेटा एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. दोज ऑर्गेनिजम्स, विच रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ कॉमन स्पीसीज. ठीक, तो जो रिप्रोड्यूस कर सके बेटा और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके वही है स्पीसीज, ऐसा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बोलती है. अब आप बताओ, हॉर्स और डोंकी के फर्टिलाइजेशन से बेटा म्यूल बनता है,
तो म्यूल तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वो क्या कोई स्पीसीज नहीं है? है, वो स्पीसीज है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज के थ्रू उस म्यूल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि किस स्पीसीज, ये स्पीसीज है या नहीं है? नहीं कर सकते। तो अब ड्रोन भी है, ड्रोन हनी बी में बेटा, ड्रोन सॉरी ड्रोन तो रिप्रोड्यूस कर सकता है बेटा। वर्कर्स, वर्कर्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन वो भी तो स्पीसीज हैं, ठीक है। ह्यूमन में भी कुछ इनफर्टाइल कपल्स हैं, वो भी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन वो भी तो स्पीसीज हैं। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। क्यों? यही रीजन है ना कि इनफर्टाइल के साथ फिर क्या करेंगे। तो लिखिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में लिखिए बेटा, नेचुरली इनब्रीडिंग पॉपुलेशन, मतलब जो आपस में ब्रीड कर सके, नेचुरली इनब्रीडिंग पॉपुलेशंस विच कैन रिप्रोड्यूस, नेचुरली इनब्रीडिंग पॉपुलेशन जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, नेचुरली इनब्रीडिंग पॉपुलेशन विच कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस, विच कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ बायोलॉजिकल स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है बच्चों। तो अब दूसरा है, अब इसमें ये तो 100% ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉलो नहीं किया जा सकता बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को ना, तो ये पूरी तरह से इसको हम फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए ये भी फेल हो गया, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी तो ये फॉलो नहीं हो सकता। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये फेल हो गया। दूसरा आया बेटा मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। दूसरा क्या आया बेटा? मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। दूसरा लिखिए मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, ठीक है। या इसी को एक नाम और देते हैं हम, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कंसेप्ट, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज ऑब्लिक टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली जिसको देखने से सिमिलरिटी हो, उसको हम एक सेम स्पीसीज में कंसीडर करते हैं मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने में, समझ रहे हो। लेकिन ये भी 100% कहाँ सही है, एक जैसे दिखने वाले दो स्पीसीज हो, ऐसा हो सक हो होता है, दो ऑर्गेनिज्म एक ही जैसे दिखने वाले आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते और वो अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट भी 100% स्पीसीज को डिफाइन नहीं करता, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में लिखिए द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग SHOW, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग द सिमिलरिटी इन दियर मॉर्फोलॉजी, शोइंग द सिमिलरिटी इन दियर मॉर्फोलॉजी कंसिडर्ड एज अ सिंगल स्पीसीज, कंसिडर्ड एज अ सिंगल स्पीसीज, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट लिख लो मॉडर्न स्पीसीज कंसेप्ट। उन दोनों को मिला के बनाया गया था। शाम को 3 बजे क्लास है शायद आपकी, उस टाइम पे पढ़ेंगे हम, ठीक है। टाइम जो भी होगा, एक और क्लास होगी बेटा आपकी, 2 क्लास होती है रोज रोज। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फो मीन्स होता है बेटा एक्सटर्नल, लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी।
एक्सटर्नल स्टडी मतलब कि बाहर से देखने में जो जैसा दिखता है उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली दो लोग एक जैसा दिखते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं, ये बाहर से देखने में सिमिलर हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। समझ में आ गया होगा।